दोस्तों, कुंड न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के संघर्ष को नमन करता हूं, जिन्होंने दोबारा से एक माफिया, एक ऐसा आदमी जो इस देश के अंदर अपने पहलवानों को आतंकित करता है, 12 साल से कुश्ती महासंघ पर कब्जा जमाए बैठा है और हमारी बहन बेटियों को परेशान करता है, शोषण करने का प्रयास करता है। ऐसे दुराचारी के खिलाफ हमारे जो पहलवान, इनके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इनका संघर्ष बहुत बड़ा है, सभी देशवासियों के लिए है और यहाँ पर उपस्थित जितने भी सभी नागरिक आए हैं उनको भी मैं नमन करता हूँ, सभी खाप के चौधरी को नमन करता हूँ और खासकर पालम 360 के जो हमारे प्रधान है, शुरू के दिन से यहाँ पर उपस्थित है, उनको भी नमन है। देखो, ये लड़ाई पूरे देश के लिए है। जो ये ब्रजभूषण शरण है, इसकी जो प्रवृत्ति है पूरी दबंगाई की है। सभी ने देखा होगा, इसने पहलवान को यानी कि स्टेट पे छाटा मारा है। इसने स्टेटमेंट भी दिया अपना टीवी चैनलों के सामने कि मैंने उसको गोली मारी थी। ऐसे यानी कि बदमाश आदमी को, ऐसे गुंडे आदमी को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष या भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है हम राष्ट्रवादी हैं, हम साफ स्वच्छ आदमी को राजनीति में लाते हैं, उसको क्यों अपनी पार्टी में रख रहे हैं? इनकी साफ मानसिकता है, इनका सिर्फ ये है कि हमारे सांसद बने रहे, हमारे विधायक बने रहे, चाहे वो गुंडे हो, बदमाश हो, लेकिन बहन बेटियां संघर्ष करके उनको न्याय नहीं देंगे। जबकि इस देश के अंदर कानून जो है वो ये है, कोई भी किसी के खिलाफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन तो कोई भी दर्ज कर सकता है, FIR का यही तो मतलब है, लेकिन उसके खिलाफ न्याय देना तो हमारी बहन बेटियों को अलग बात है। FIR तक भी निकल रहे जो बहुत ही दुखद है और इस बात की चर्चा पूरे विश्व में है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का डंका बजवाया, पूरे देश का नाम करा, आज उन्हीं बहनों को, उन बेटियों को, उन लड़कियों को इंसाफ नहीं मिल रहा देश में। ऐसी कैसी कानून व्यवस्था है तो आम आदमी को कैसे न्याय मिलता होगा? तो इस पे कोई ध्यान नहीं है, उनका सिर्फ ध्यान है हम चुनाव कैसे जीतते हैं, हम सेटिंग कैसे करें, दूसरे सांसद कैसे खरीदते हैं, और जो कानून व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं है। यहाँ जितने भी आए हैं सभी को दोबारा से मैं नमन करता हूँ। ये संघर्ष जारी रहना चाहिए, जैसे मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा, ये गली गली में, हर जिले, हर मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, ब्लॉक पे, सभी पे इन पहलवानों के समर्थन में ज्ञापन दिया जाए, धरना दिया जाए, ताकि इस बहरी गुंगी सरकार को, और जो मोदी शाह है नजदीक का बैठा चुप है, अमित शाह ये बोल रहे हैं कि हम चाणक्य हैं, ये है कुछ नहीं है, ये सिर्फ इस देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, खेल को गर्त में जा रहा है। जिन पहलवानों को आज स्टेडियम प्रैक्टिस करनी थी।